सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर में पेट्रोल पंप से 5 लाख लूट के मामले में पुलिस ने 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। घटना रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के वनस्पति गांव स्थित रामचंद्र पेट्रोल पंप के थी लूट के मामले में 2 अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी अभियुक्त के पास से 1 लोडेड पिस्तौल और 2 जिंदा गोली को बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने 1 पल्सर मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। इस पूरे मामले पर सीतामढ़ी के ASP मनोज कुमार राम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी है कि लूट के मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 1 आरोपी पुलिस के गिरफ्त से अभी भी बाहर है। पुलिस उसे पकड़ने को लेकर लगातार अभियान चला रही है। ASP ने कहा कि पकड़े गए अपराधियों के पास से अभी तक लूटे गए रुपए की बरामदगी नहीं हुई है। थाना अंतर्गत दिनांक 2 तारीख को एक लूट की घटना घटी थी, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मी जो है 4,19,000 रुपया लेकर 19,500 रुपया लेकर जा रहे थे, तो NH 77 पर उनको रोक करके हथियार के बल पे उनके साथ लूटपाट की गई थी। इसी क्रम में जो है इसमें एक टीम का गठन किया गया था SP महोदय के द्वारा, जिसमें कि SHO रून्नीसैदपुर के नेतृत्व में वनी नुमान खां और बाकी सशस्त्र बलों के द्वारा जो है इसका उद्भेदन किया गया है, जिसमें पता चला है 3 लोग शामिल थे, जिसमें 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक का नाम है अतीश कुमार, दूसरा हरिकांत चौधरी। अतीश कुमार जो है दोनों रून्नीसैदपुर के ही रहने वाले हैं और इनका लंबा छोड़ा आपराधिक इतिहास, कई लूट के कांडों में ये शामिल रहे हैं पहले से। इन लोगों के पास से अभी तक 1 देसी कट्टा और 3 गोली और 220 cc की गाड़ी बरामद की गई है। इस गाड़ी की कहानी यह है कि इन लोगों ने लूट के पैसों से ही मुजफ्फरपुर में जाके ये नई गाड़ी खरीदी थी, जिसको बरामद कर लिया गया है। सर जो बैंक नहीं, अभी बरामदगी नहीं, अभी केवल यही बरामद हो पाया है और आगे पूछताछ के क्रम में एक और इनका जो मेंबर पकड़ाएगा तो उसकी संभावना है कि बरामद हो सकती है। हर बार जब पीसी है अब उसमें प्रोसिक्यूशन पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। न्यायालय की एक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा लेट लगता है, ताकि उन अभियुक्तों को भी अपने राइट्स हैं और इसी क्रम में उनको जमानत मिल जाते हैं, जिस कारण बाहर आ जाते हैं। इसमें और कोई लोग शामिल थे क्या? हाँ, 3 आदमी शामिल थे, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हो गई, 1 फरार है। सर ये भी माना जाए इन्वेस्टिगेशन का विषय है, आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चल सकता है। क्या अपील करना चाहेंगे वैसे लोगों को जो लोग अपील क्या कहना है इसमें? तो देखिए, क्राइम तो क्राइम है, स्टेट के अगेंस्ट क्राइम कर रहे हैं तो उनको निसंदेह जो है सजा भुगतना पड़ेगा। बेहतर यही है कि वो मुख्य धारा में आए छोड़ करके, इसके अलावा और कोई विकल्प है नहीं।